Assalamu alaikum. Before we start the delicious recipe, make sure to subscribe to my channel. Okay, all we need is 1 kg of beef with bone, 1 kg of golden sailor rice, about a cup of black raisins, 2 medium-sized onions sliced, salt rakha hua hai mere paas, as per your choice, you're going to add it. Okay, these are the spices in which I have 1 teaspoon of cumin, some black cardamoms and some green cardamoms. Isko grind kar lenge aur ye hamare Uzbek pilao mein dalega for the recipe. So I have about half a cup of oil here. Let's begin our recipe. तो क्या किया, हाफ ए कप ऑयल डाला अपने देगचे में, उसको गरम किया, उसके अंदर ये अनियंस जो स्लाइस करके रखे थे वो ऐड हो गए इस पॉइंट पर. यू जस्ट नीड टू सॉटे देम अंटिल गोल्डन. दिस रेसिपी इज सो डिलिशियस एंड सो यमी, आई एम श्योर एवरीवन इन योर फैमिली इज़ गोइंग टू लव इट एंड गोइंग टू आस्क फॉर मोर. सॉटे हो गए अनियंस, नाउ एट दिस पॉइंट आई एम गोइंग टू ऐड द मीट. You can use meat of your choice. I'm adding beef. आप चाहें तो इसे lamb में भी बना सकते हैं, mutton में भी बना सकते हैं और chicken में भी बना सकते हैं. Meat को इतना सौते करना है कि उसका थोड़ा color change हो जाए. उसके बाद I'm going to tell you what I did next. Okay, so now color काफ़ी अच्छा change हो चुका है. I'm going to add the salt. It's about 1 tablespoon. And the spices, ये भी grind होके तकरीबन 1 tablespoon ही बन गए हैं. इसको भी थोड़ा सौते करेंगे. Okay, now आप क्या करेंगे, you're going to add about a liter of water into it ताकि अच्छी तरह गल जाए. Because it's beef, it's going to take longer to cook. आप अपने हिसाब से कीजिएगा, जो जिस भी मीट के साथ आप work कर रहे हैं उस हिसाब से. सो बेसिकली व्हाट आई डिड इज़ के मैंने इसमें पानी ऐड करा, इसको कवर करा और इसे गलने छोड़ दिया फॉर अबाउट 2 hours. मीट बहुत अच्छा गल गया है लेकिन यखनी भी बहुत इसके साथ साथ कम हो गई है. तो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू ऐड सम बॉइलिंग वाटर बिकॉज वी नीड टू कुक आवर राइस इन टू इट. तो इसलिए पानी ऐड करना इस पॉइंट पर बहुत ज़रूरी है. और इसी पॉइंट पर आप नमक भी चेक करेंगे इफ़ यू नीड मोर, इसके बाद आप ऐड नहीं कर पाएंगे. ओके, जो हमारे रीजन्स रखे थे वॉश करके ड्रेन करके इस पॉइंट पर, वो ऊपर से ऐड हो जाएंगे. इसमें ब्लैक रीजन्स ही डलते हैं. यू कैन यूज़ रीजन्स ऑफ योर चॉइस लेकिन फिर वो बात नहीं आएगी. तो ट्राई टू फाइंड दीज ब्लैक वंस, दे टेस्ट अमेजिंग एज वेल. कैरेट्स डल जाएंगे ऊपर से. मिक्स नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू लेयर इट, यू डोंट हैव टू मिक्स एवरीथिंग टुगेदर. ओके, एट दिस पॉइंट यू गोइंग टू ऐड द सोक्ड राइस. ये गोल्डन सेलर राइस थे मेरे पास जो मैंने कोल्ड वाटर से वॉश करके वार्म वाटर में इसको सोक करके 2 घंटे के लिए रख दिया था. इसको सिर्फ सिंपली पानी ड्रेन करके ऊपर से मैं इस तरह बिछा रही हूँ. उसके बाद मैंने इतना पानी ऐड करा है, तकरीबन 2 glass मैंने पानी ऐड करा है, थोड़ा सा निकलता हुआ राइस से, ताकि हमारे चावल अच्छे दम आ जाएँ. एक तवा प्लेस कर दिया है मैंने देगचे के नीचे ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट हो अंडरनीथ द देगचा, और उसके ऊपर जो लिड है उसको कवर कर दिया है विद अ डैम्प क्लॉथ ताकि स्टीम स्केप ना कर सके. एंड इसको लो हीट के ऊपर कर मैंने छोड़ दिया था फॉर 40 to 45 minutes. मीट बिल्कुल टेंडर हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह. राइस आर जस्ट unbelievably beautifully done. ना बहुत ओवर डन हो गए हैं और ना अंडर कुक्ड हैं, दे आर जस्ट परफेक्ट. सो दिस इज़ माई उज़्बेक पुलाव. होप यू लाइक द रेसिपी. इज़ प्रिटी ईजी एंड सिंपल वे ऑफ डूइंग इट. देर आर मेनी वेज एक्चुअली बट दिस इज़ द बेस्ट वे आई हैव डिस्कवर्ड. Make sure to like, subscribe and share and follow me on Instagram. Thank you so much. Jazakallahu khair.